आजकल हम बस उन्हीं मूवी को देखना पसंद करते हैं जो कि एक मास एंटरटेनिंग मूवी हो या फिर उस मूवी में आपको एक बहुत ही बड़ा एक्टर कास्ट किया गया हो लेकिन हम उन्हीं सारे मूवीज के बीच में एक ऐसा कंटेंट वाला मूवी हम देखना भूल जाते हैं या फिर हम लोग जानते तक नहीं है क्योंकि उस मूवी का मार्केटिंग किया ही नहीं गया हो लेकिन उस मूवी का जो कॉन्टेंट है ना वो बाकी सारे मास एंटरटेनिंग मूवी से कहीं गुना ज्यादा अच्छा होता है हम उन्हीं सारे मूवीज को देखना पसंद ही नहीं करते यहाँ तक की जानते तक नहीं लेकिन भाई मैंने आज एक ऐसी मूवी देखी है जो कि मेरे आज तक की करियर में जितने भी मूवीज मैंने देखी है ना वो सबसे टॉप में आएगी यहाँ तक कि उस मूवी का कंटेंट इतना ज्यादा हार्ड और इतना ज्यादा टच और इमोशनल है ना बाकी सारे मास मूवी को आप भूल जाओ मैं तो बोलूंगा जो कोई भी मास एंटरटेनिंग मूवी को देखना पसंद करता है ना भाई आप लोग एक बार बस इस मूवी को देख लो आप लोग समझ जाओ कि एक मूवी क्या होती है कॉन्टेंट क्या होता है मास एंटरटेनिंग मूवी तो बाद में आती है एक अच्छा मूवी क्या होता है आपको पता चल जाएगा इस मूवी से भाई मैं बात कर रहा हूँ मूवी ट्वेल्थ फेल के बारे में इवन दो ये मूवी एक बायोग्राफी मूवी है लेकिन ये लगता ही नहीं की एक बायोग्राफी मूवी ये एक इमोशनल और एक हार्ड वर्किंग मैन के बारे में है जो की आपको ये बताता है की आपका जो गोल है आपका जो फ्यूचर है आप यदि सीरियस उसके लिए इंटरेस्टेड हो आप बहुत ही सीरियस हो आपके फ्यूचर के लिए तो आप क्या ही नहीं कर सकते उस गोल को अचीव करने के लिए आपके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आपके फ्यूचर को सेव करने के लिए ये मूवी वो आपको फील करवाती है इस मूवी में बेसिकली आपको रियल लाइफ आई ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में दिखाया जाएगा की वो कैसे गरीबी से एक आई ऑफिसर बने उनके लाइफ का जो स्ट्रगल है वो कितने सारे मुश्किलों को झेल के एक आईपीएस ऑफिसर बने वो चीज आपको इस मूवी में एक ब्यूटीफुल और बहुत ही इमोशनल वे में दिखाया जाता है और भाई लिटरली उस स्ट्रगल को आप देख के ना ये बोलोगे की कि भाई इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है किसी के साथ हम तो फिर भी बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे लेकिन भाई फिर भी हम इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और लाइफ में कुछ उखाड़ भी नहीं पाते लेकिन ये बंदा आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा इतने सारे मुश्किलों से और इतने ज्यादा गरीब थे और उस गरीबी में भी उन्होंने इतना इतना तो ज्यादा स्ट्रगल करके एक आई ऑफिसर बने ये भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है और ऊपर से पूरे स्टोरी में आपको जितने भी एक्टर देखने को को मिलेंगे ना भाई उनका एक्टिंग फुल अर्थ है उनके एक्टिंग को देख के आपको यही लगेगा कि भाई यही है वो रियल कैरेक्टर जो हमें यहाँ पे दिखाया गया है इस लेवल ऑफ इंटेंस एक्टिंग आपको वहां पे देखने को मिलेगा भाई फुल इमोशनल है आप पागल हो जाओगे भाई फुल नेचुरल एक्टिंग स्पेशली भाई इस मूवी के लीड एक्टर विक्रांत मैशी भाई क्या एक्टिंग है मैं लिख के बोल रहा हूँ इस बंदे का ना फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और जिस लेवल ऑफ एक्टिंग इसने इस मूवी में दिखाया है ना भाई इसके लिए तो इसको नेशनल अवॉर्ड तो डिजर्व करता ही है भाई कितना ज्यादा पोटेंशियल है इस बंदे में हम लोगो ने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया है इस बंदे में और इस लेवल ऑफ एक्टिंग भाई इन्होंने इस मूवी में दिखाया है भाई हेडस ऑप ये फिल्म भले ही एक एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को लेके चलती हो लेकिन भाई इसका जो स्टोरी है आपको हर एक मूवमेंट में आपको लिटरली फील हो जाएगा आप इमोशनली कनेक्ट कर दोगे आपको लगेगा कि भाई ये तो हमारा डेली का लाइफ है हमको यहाँ पे अपना डेली का लाइफ देखने को मिल रहा है एक फुल स्क्रीन में आपको लगेगा ही नहीं की ये एजुकेशनल और एक बायोपिक मूवी है आप खुद को कनेक्ट कर पाओगे आपके लाइफ के इंसिडेंट्स को आप सब कुछ कनेक्ट कर पाओगे इस मूवी के सीन से इस तरीके से इस फिनिशिंग से इस मूवी को बनाया गया है और भाई किसी भी मूवी ने अगर ये पर्सनल एंगल ये पर्सनल इमोशनल वाला एंगल ऑडियंस को टच कर लेती है ना तो भाई उस मूवी को हिट जाना क्या ब्लॉक बस्टर ऑल टाइम ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है मूवी का हर एक छोटे से बड़ा सीन आपको इस लेवल ऑफ सीट से बांधी रखेगी ना आप लिटरली एक गलती तक भी नहीं निकाल पाओगे इस मूवी में इस तरीके का डायरेक्शन इस तरीके से इस मूवी को बनाया गया है छोटे से भी छोटे ऑडियंस इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट और इस मूवी के डायलॉग से रिलेट कर पाएंगे और भाई जिस तरीके का इमोशनल और मोटिवेशनल थिंक मोटिवेशनल इमोशन ये मूवी बनाती है ना आप लिटरली इस मूवी से कनेक्ट कर पाओगे आप आपके रियल लाइफ इंसिडेंट्स को आपके पर्सनल इमोशन को आप लिटरली इस मूवी में फील कर पाओगे आपको हंसी आएगी आपको रोना आएगा आपको गुस्सा आएगा वो हर एक इमोशन जो आप डेली लाइफ में फील करते हो ना वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा और लास्ट में जब ये मूवी खत्म हो जाएगी ना तो आपको लगेगा की भाई क्या ये मूवी था भाई ऐसा बुरा और क्या नहीं हो सकता है हमारे लाइफ में आप सची में थिएटर से खुश होके निकलोगे की भाई मूवी देखी है मैंने यार अपने लाइफ का बेस्ट मूवी देखो यार मास मसाला मूवी तो बहुत ही आती जाती रहती हैं लेकिन एक ऐसा मूवी जो आपके लाइफ को चेंज कर दे आपको कुछ सिखा के जाए आपको जो इमोशन है आपका जो स्ट्रगलिंग लाइफ है वो आपको पूरा स्क्रीन में देखने को मिले और आप उसे रिलेट कर पाओ ऐसा अच्छा कंटेंट वाला मूवी ना हजारों सालों में एक ही बार आता है और ये मूवी उसी लेवल का इंटेंस मूवी है तो भाई बिल्कुल भी मिस मत करो अभी भी थिएटर में लगा है

कि कैसा लगा आपको ये मूवी तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर कर देना देना सब्सक्राइब इंटरेस्टिंग जानना हो तो आप मुझे सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे भी सकते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया तो भाई देखना मिस मत करना और मिलते हैं आपको अपने रहिए हमारे साथ में